हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 का हम रिवीजन करेंगे। ये हमारी क्लास फर्स्ट है, क्लास वन पार्ट वन है इसका। आज से ही हम क्लास स्टार्ट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी लोग क्लास को पढ़े लीजिएगा। रिवीजन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम आज से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे और सभी लोग मेरे साथ मिलके आज से रिवीजन करेंगे और करंट अफेयर का साथ में रिवीजन मिलके करते हैं। 2022 का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा लॉजिस्टिक डाटा बैंक LDB प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से जुड़ा है? इसके चार ऑप्शन हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MSME मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय। इसका सही आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी ऑप्शन सही है। NICDC लॉजिस्टिक डाटा बैंक LDB प्रोजेक्ट ने 50 मिलियन एक्सिम कंटेनरों को संभालने की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग के अनुसार कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवा मतदाता कार्ड के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं? इसका सही आंसर है सी। देखते हैं इसके बारे में, भारत के चुनाव आयोग ECI के अनुसार 17 वर्ष से अधिक आयु के लोग अब मतदाता सूची में नामांकन के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंतार इंडिया की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड कौन सा है? इसका सही आंसर है, चार ऑप्शन दिए, मैं सही आंसर डायरेक्ट क्लिक कर रही हूँ, इसका सही आंसर है सी, पार्ले। देखते हैं इसके बारे में, पार्ले 2021 में लगातार 10वें वर्ष सबसे अधिक चुना जाने वाला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बना रहा है। यह कंटार इंडिया के ब्रांड फुटप्रिंट 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रहा खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? इसका सही आंसर है ए, हरियाणा। इसके बारे में देखते हैं, हरियाणा के राखीगढ़ी में प्राचीन टीले सहित 20 विरासत स्थलों को राष्ट्रीय महत्व टैग के लिए पहचाना गया है। राखीगढ़ी साइट केंद्रीय बजट 2020 और 21 में केंद्र द्वारा घोषित 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। इब्राहिम मोहम्मद सोहेल जो हाल ही में भारत आए थे, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर है मालदीव के राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। इसके बारे में देखते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे। भारत और मालदीव ने व्यापार, रक्षा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरेश एन पटेल को हाल ही में किस संस्था के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वह जून 2022 से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश है इसका सही आंसर। हाल ही में अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में बनाया जा रहा है। संयंत्र में 2022 और 23 में 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसकी कीमत है 3000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में गायों को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तु योजना पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक, कर्नाटक में सो है। इस योजना का उद्देश्य गायों के लिए पोषण और देखभाल प्रदान करना है। 1300 से अधिक लोगों ने गौशाला गाय आश्रयों को दान दिया है। राज्य पशुपालन मंत्रालय के अनुसार राज्य भर में पुण्य कोटि दत्तु योजना पोर्टल में 123 आश्रय पंजीकृत हैं और 60 केंद्रों का पंजीकरण प्रगति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने अफ्रीका से भारत में चीतों के स्थानांतरण के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। देखते हैं इसके बारे में, AMMOU के अनुसार IOC परियोजना के लिए 4 वर्षों में 50.22 करोड़ रुपए का योगदान देगी। परियोजना की कुल लागत वर्तमान में 75 करोड़ रुपए है। भारतीय और नामीबिया सरकारों ने पहले भारत में चीतों को पेश करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजस्विनी शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के किस खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका सही आंसर है ऊंची कूद के बारे में देखते हैं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ने 2.22 मीटर की दूरी तय कर कांस्य पदक जीतने वाली स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया है और उनके पास 2.29 मीटर की ऊंची कूद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर 2022 से पहले कपास की चुनौतियों पर सम्मेलन का मेज़बान रहा है? इसका सही आंसर है कोयम्बटूर, इसका सही आंसर है कोयम्बटूर। भारतीय कपास महासंघ भारतीय कपास संघ के सहयोग से 2022 से पहले कपास की चुनौतियों पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर शहर में आयोजित किया जा रहा है। कपास क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सभी हितधारकों के साथ विभिन्न पैनल चर्चाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रैंड अनियन चैलेंज लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय। यह चुनौती युवा पेशेवरों, प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों से डिज़ाइन के लिए और देश में फसल काटने के बाद भी बाद की तकनीक, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन के बाद ब्याज के परिवहन के लिए विचार मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ भारत की उड़ान पहल शुरू की है? इसका सही आंसर है गूगल, गूगल के साथ भारत की उड़ान संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की। इसके बारे में देखते हैं, इस सेलिब्रेशन की शुरुआत नई दिल्ली से हुई है। यह संयुक्त उद्यम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। गूगल कला और संस्कृति ने पिछले 75 वर्षों में भारत की उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करने के लिए बनाई गई एक प्रदर्शनी का अनावरण किया है। भारत की उड़ान किसने लॉन्च किया है, शुरू किया है? गूगल ने शुरू किया है। ये चीज़ आप लोग याद रखें। नाटो में शामिल होने के लिए अमेरिकी सीनेट ने किन देशों को मंजूरी दी है? स्वीडन और फिनलैंड को, स्वीडन और फिनलैंड को। इसके बारे में देखते हैं, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर पूर्व जोर समर्थन किया है। वर्तमान में दोनों देश स्वीडन और फिनलैंड नाटो की घनिष्ठ भागीदारी रहे हैं लेकिन सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, समाचार में देखा गया परवाज एक मार्केट लिंकेज योजना है जो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। सरकार द्वारा एयर कार्गो के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में कृषि और बागवानी, खराब होने वाली फसल के शिपमेंट के लिए बाजार लिंकेज समर्थन बनाने के लिए परवाज लॉन्च किया गया था। योजना के तहत जम्मू कश्मीर में खराब होने वाली फलों को ले जाने के लिए भाड़ा शुल्क 25% सब्सिडी का दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज की क्लास का आज
पर डे क्लास में 15 क्वेश्चन होंगे रिवीजन के, करंट अफेयर के। आप लोग वीडियो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास के, जिससे सबका रिवीजन हो पाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।